हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज मैं आप लोगों के साथ एक जो भी सेशन डिस्कस कर रहा हूँ, ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पीजीटी क्वालिफाई किया हुआ है या कहीं ना कहीं वो टीजीटी या पीजीटी की जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब और अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है और कहीं ना कहीं वो आगे करियर में आगे जाना चाहते हैं या कोई नया ऑप्शन तलाश कर रहे हैं और वो ये भी चाहते हैं कि वो टीचिंग के ही फील्ड में कोई एक दूसरा ऑप्शन ऐसा तलाश करें जिसमें कि उनको अच्छी सैलरी मिले, एक अच्छा उनको एक सम्मान मिले और एक जिसे कहते हैं कहना चाहिए सेटिस्फेक्शन उनके अंदर डेवलप हो। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे डिस्कस करते हैं और मैसेज करते हैं कि सर हमने पीजीटी किया है या हम एज ए पीजीटी लेक्चरर कहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन हम अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है या अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर अगर हम बनना चाहें तो हमें क्या करना होगा, तो कहीं ना कहीं वो जॉब को स्विच करने के माइंड से हैं। तो पहली बात तो ये, हम लोग जैसे जानते हैं कि टीचिंग के फील्ड में कई तरीके से करियर बनाया जाता है, चाहे वो बेसिक की टीचिंग हो या इंटर कॉलेज की टीचिंग हो या डिग्री कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की टीचिंग हो। अब जो लोग पीजीटी की तैयारी करते हैं और पीजीटी ज्वाइन कर लेते हैं, पीजीटी ज्वाइन करने के बाद भी उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि पीजीटी की जॉब जो है वो भी परमानेंट जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा पे स्केल होता है, सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं उनके अंदर एक हीन भावना रहती है कि हम क्यों ना और आगे बढ़ें, क्यों ना हम डिग्री कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने और हम भी पीएचडी करें और लोगों को पीएचडी कराएं और हमारे नाम के आगे भी डॉक्टर लगे और हम भी प्रोफेसर कराएं या आगे जाके हमारे लिए यूनिवर्सिटी में जो उच्च पद होते हैं जैसे कि रजिस्ट्रार या आपके वाइस चांसलर, कुलपति वगैरह, ये बनने का हमारे संभावना हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए लोग अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि पीजीटी तो किया है लेकिन उसके बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो क्या करें। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन तो वही रहती है कि आपका मास्टर्स होना चाहिए विद 55% मार्क्स प्लस आपके पास यूजीसी नेट जो कि एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको नेट तो क्वालिफाई करना ही करना है क्योंकि नेट की तो मिनिमम एलिजिबिलिटी लागू होती है अगर आपके विषय में नेट होता है। ये भी सवाल खड़ा होता है कि आप जिस विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं क्या उसमें नेट होता है या नहीं होता है, कुछ विषय ऐसे भी हैं जिसमें नेट की बाध्यता नहीं है, उन्हें छूट दे दी जाती है, लेकिन वो ऐसे विषय बहुत कम है। ज़्यादातर विषय जो है जिसमें यूजीसी जो है नेट कराता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू, तो एक तो नेट आपका होना ज़रूरी है। और सवाल ये भी खड़ा होता है, लोग पूछते हैं कि क्या सिर्फ नेट से काम चल जाएगा, क्या हमें पीएचडी करना पड़ेगी या क्या अभी पीएचडी कर लें, आगे पीएचडी की हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी या कहीं ऐसा ना हो कि बिना पीएचडी के हमें आगे दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो फिलहाल अभी तक के हिसाब से तो आपके पास यूजीसी नेट होना चाहिए तो आप एक दो साल के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंट्री कर सकते हैं किसी भी डिग्री कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कॉम्पिटिशन का ज़माना है, आने वाला समय थोड़ा सा मुश्किल ही होगा और कॉम्पिटिशन जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसमें चीज़ें टफ की जाती हैं। जब भी कभी कॉम्पिटिशन बढ़ता है तो जो बाधाएं हैं वो बढ़ा दी जाती हैं, जैसे कि अभी नेट है, फिर आने वाले टाइम में पीएचडी कर दिया जाएगा और उसके साथ आपको यूजीसी नेट प्लस पीएचडी दोनों ही क्वालिफाई हों, फिर कुछ टाइम बाद ऐसा ना हो कि आपको अगर आपने पीएचडी भी की हुई है, नेट भी किया हुआ है तो कई बार आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा, टीचिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एंट्री करना डिग्री कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में टफ होता जाएगा। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर अभी भी यूजीसी नेट ही है और आगे भी रहेगा क्वालिफाई डिग्री कॉलेज में एंट्री करना, तो देखिए हम किसी भी एक चीज़ पे वो नहीं हो सकते कि यूजीसी नेट है तो हमेशा रहेगा, ये ज़रूरी है कि यूजीसी नेट होगा लेकिन उसके साथ और चीज़ें जोड़ दी जाएंगी जिससे कि आपको उसको साथ लेके ही आपका जो है एडमिशन होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये भी कर दिया जाए कि आपके कम से कम 60% मार्क्स हो, ठीक है पीजी में। तो अगर जो लोग अभी पीजी कर रहे हैं और आगे सोच रहे हैं तो अगर उनका रिजल्ट नहीं आया है तो कम से कम ये तो सोचिए कि हम अपनी परसेंटेज भी अच्छी रखें, साथ साथ यूजीसी नेट भी क्वालिफाई करें और कहीं ना कहीं माइंड में ये जरूर रखिए कि हमें एक ना एक दिन पीएचडी करनी है क्योंकि पीएचडी के साथ, नेट के साथ और फर्स्ट डिवीजन के साथ ही आगे फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। वरना धीरे 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 हम देख रहे हैं कि बार्स जो है या जो बाधाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो जो लोग पीजीटी किए हुए हैं या पीजीटी कर चुके हैं और वो स्विच करना चाह रहे हैं तो पहली बात यूजीसी नेट होना चाहिए,
अभी तक, लेकिन दिमाग में एक बना के रखिए कि हमें पीएचडी करनी है और पीएचडी करके हम जो है आगे करियर में बढ़ेंगे, क्योंकि एक ना एक दिन आपको असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनना होगा, एसोसिएट प्रोफेसर से फिर प्रोफेसर बनना होगा, तो उसमें फिर पीएचडी की दिक्कत आएगी, एक्सपीरियंस की दिक्कत आएगी, रिसर्च का एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें जो है काउंट होती हैं। अब सवाल ये होता है कि जो लोग पीएचडी कर रहे हैं वो सेटिस्फाइड क्यों नहीं है, तो कई बार होता है कि उनके अंदर नॉलेज ज़्यादा होती है या वो उन्हें लगता है कि हम इससे ज़्यादा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे अंदर टैलेंट है, हम आगे बढ़ सकते हैं और क्यों ना आगे बढ़ें। देखिए आगे बढ़ने का हर किसी को हक है और ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक जॉब कर ली है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो पीजीटी कराए अगर आपको लगता है कि आप अपनी करंट जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप ट्राई करिए, जो नेट की तैयारी करिए। ज़्यादातर लोग नेट निकाल लेते हैं जिनका पीजीटी क्वालिफाई हो जाता है, तो ऑलमोस्ट सिलेबस यूजीसी नेट का और पीजीटी का ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा पूछ लेते हैं। तो नेट आप क्वालिफाई कर सकते हैं और नेट क्वालिफाई करके आप जो है किसी भी स्टेट के किसी भी कमीशन में आप बैठ सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए हो या किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अगर आप चाहते हैं। अच्छी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारी जो अच्छा पे करती हैं और उसमें एक्सपोजर बहुत होता है, क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं कि जो इंटर कॉलेज में टीचिंग करते हैं तो सिर्फ एक बहुत ही सीधी साधी टीचिंग होती है, सिर्फ पढ़ाना है और उन्हें कोई एक्सपोजर नहीं होता है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी टीचिंग में जाते हैं या आगे करियर में पढ़ते हैं तो आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा, आपको पता रहेगा दुनिया में क्या चल रहा है। तो कई बार लोग इस चीज़ से भी आकर्षित होकर अपना करियर चेंज करना चाहते हैं। तो पीजीटी के बाद अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल बनिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है और कोई किसी तरीके का कोई सवाल नहीं है कि किसी ने अगर जॉब कर ली है पीजीटी है तो वो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है तो उसके करियर पर सवाल खड़ा हो जाएगा। देखिए पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में फ़र्क यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट पीएचडी चाहिए और वो एक हायर ऑर्डर टीचिंग है, यानी कि आप उसमें ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाते हैं। और पीजीटी के जो टीचर होते हैं वो 10 12th के जो इंटर तक के जो जिसे हम के 12 टीचर बोलते हैं, जो कि के 12 टीचर की कैटेगरी में आते हैं, वो पढ़ाते हैं। ओके, तो जाहिर सी बात है हायर ऑर्डर टीचिंग है, नेट के बाद एक आपका स्कोप बढ़ जाता है, आप वाइस चांसलर तक की पोस्ट तक भी पहुँच सकते हैं अगर आपने पीएचडी की हुई है और आप प्रोफेसर रह चुके हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपका एक सैलरी स्ट्रक्चर भी देखिए ज़्यादा होता है। सैलरी भी अगर कंपेयर करें तो पीएचडी के मुकाबले असिस्टेंट प्रोफेसर की हो या एसोसिएट प्रोफेसर की हो, सैलरी में बहुत फ़र्क होता है। ओके, तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। तो बस ये है कि सबसे बड़ी बात है कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए माइंड में। अगर आप पीएचडी से सेटिस्फाइड हैं तो आप पीएचडी करते रहिए, लेकिन अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो यू कैन ट्राई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो उसमें कोई सवाल खड़ा होगा, ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है पीजीटी है उसके बाद वो पीएचडी की सोच रहे हैं। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर हम पीएचडी करना चाहते हैं तो क्या हम जॉब छोड़ के पीएचडी करें। देखिए जॉब के साथ पीएचडी हो सकती है अगर आपका डिपार्टमेंट आपको अलाउ करता है, आपको एनओसी मिल जाती है, बट उसमें यह है कि कोई फेलोशिप वगैरह किसी तरीके की आप फेलोशिप पैरेलली आप नहीं ले सकते, वो एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। आप सैलरी उठाइए अपनी जो भी है, पीएचडी करिए, रेगुलर पीएचडी भी कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है रेगुलर पीएचडी कराती हैं और जिसमें आपको सिर्फ कोर्स वर्क के दौरान जाना रहता है, उसके बाद सिर्फ आपको 15 दिन या 20 एक महीना भर में आप कभी अपने गाइड से मिलके अपनी पीएचडी कर सकते हैं। ओके, तो मेरा आज का जो सेशन इसी बात पर डिवोट था कि आप पीजीटी हैं तो आप आगे करियर में बढ़ सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या करना होगा वो मैंने आपको बताया। यूजीसी नेट क्वालिफाई करना होगा और पीएचडी का भी आप माइंड में दिमाग में रख के चलिए कि एक ना एक दिन मुझे पीएचडी एनरोल करनी है, क्योंकि इस फील्ड में आगे पीएचडी के बगैर फिर ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं, क्योंकि नेट तो बहुत सारे मिल जाते हैं, नेट तो हर कोई क्वालिफाई कर लेता है, लेकिन पीएचडी करना एक बड़ी चीज़ होती है। किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छे सब्जेक्ट पर अच्छे टॉपिक पर अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो फिर आपके पास आगे बहुत सारे ऑप्शन बन जाते हैं। आप बुक राइटिंग कर सकते हैं, रिसर्च राइटिंग कर सकते हैं, लोगों को रिसर्च करा सकते हैं, पीएचडी करा सकते हैं, तो काफ़ी सारे फायदे होते हैं, सैलरी के फायदे होते हैं और वर्किंग स्टाइल अलग हो जाता है, वर्क प्रेशर बदल जाता है, आपके स्टूडेंट चेंज हो जाते हैं, आप इंटरमीडिएट के बच्चों को पढ़ाने के बजाय आप हायर ऑर्डर बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में। ओके, तो ये मेरा छोटा सा सेशन था इस चीज़ के ऊपर। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो उसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। और किसी तरीके की काउंसलिंग की आप पेड सर्विस मुझसे लेना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए डिटेल्स और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यस, सर्विस इज पेड, बट ये ज़रूर है कि अगर आपको रियल में गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो पीएचडी करने के रिगार्डिंग हो, पीएचडी में एडमिशन के रिगार्डिंग हो, या आगे करियर के लिए किसी भी तरीके की कोई गाइडेंस आपको चाहिए तो आप मुझसे थ्रू दैट पेड सर्विस आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आर ऑलरेडी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू दोज डिटेल्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।